knowledge about e-cigarettes and why is it important, why the dangers of it spreading in our society? I will discuss about the four major common questions in this e-cigarette usage, and number four, what can we do about it? What are e-cigarettes? E-cigarettes mostly can. Basically, e-cigarette is an action or a practice of inhaling and exhaling nicotine vapors. होता क्या है कि इसमें एक डिवाइस होती है, वो डिवाइस हीट होती है और वो लिक्विड जो है वो एरोसोल की फॉर्म में एवेपोरेट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपिंग। आप सबको वेपिंग का वेव्स का कुछ पता है? अब मुझे आप लोगों को ये बताना है कि पाकिस्तान में 2.55 मिलियन मतलब 25 लाख स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 25 साल की उम्र तक डेवलप होता रहता है, ठीक है। जो निकोटीन है वो एक बहुत ही हाईली एडिक्टिव ड्रग है जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी को बहुत ज्यादा असरअंदाज करती है। होता ये है कि जो हम लर्निंग कर रहे होते हैं या जो हमारे मूड, अच्छा, आप जब भी अपनी लाइफ में कोई नई स्किल सीखते हैं या कोई नई एक्टिविटी सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में जो है कनेक्शन बनते हैं, उन कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। वो निकोटीन क्या करता है, निकोटीन उन कनेक्शन को या उन साइनेप्सिस को जो है वो स्लो डाउन कर देता है या उनको ऑल्टर कर देता है। तो उन कनेक्शन के स्लो डाउन होने की वजह से क्या होता है कि आपका अटेंशन की फोकस खराब होता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपको नींद आने में मसला होता है, आपके ग्रेड खराब हो जाते हैं। अच्छा, रिसेंटली हॉस्पिटल में मैं आई एम डॉक्टर, तो हॉस्पिटल में लास्ट मंथ मेरे पास एक केस आया कि एक वालिद साहब अपने बेटे को गोद में लेकर आए और उस बच्चे का पूरा फेस जो है वो जल चुका था, उसकी फेशियल डिफॉर्मिटी हो चुकी थी, उसके लिप्स जो है वो पूरी तरह बीम कर रहे थे। तो हिस्ट्री लेने में मुझे ये पता चला कि वो बच्चा जब बीम कर रहा था वो बीम उसके फेस के पास ही एक्सप्लोर हो गया और टोबैको को तो उसके जो डिपॉजिट्स होते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो डिपॉजिट्स जो है हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आहिस्ता 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 वो इतने एक्यूमुलेट प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट, जो बच्चे से 30 साल की उम्र में लोगों को स्ट्रोक आता है या फिर हार्ट अटैक आता है, उसका मेजर रीजन जो है निकोटीन और टोबैको। इसी तरह आप ओरली अगर देखें तो बहुत से पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनकी ओरल हाइजीन इतनी खराब होती है। इतना देखा होगा कि कोई आपके सामने वेप कर रहा होता है और आपको बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है एंड यू थिंक ये तो अच्छी खुशबू है, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा? नहीं, वो जो खुशबू होती है वो बेसिकली फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डाई एसिटाइल, और वो फ्लेवरिंग एजेंट्स जो हाई हैवी मेटल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं निकल, टिन, लेड, ठीक है। अच्छा, आप सबके जहन में यकीनन एक सवाल आ रहा होगा कि 0% निकोटीन वाले ई सिगरेट्स भी आती हैं, 0% निकोटीन वाले वेप्स भी आते हैं, क्योंकि कुछ जो है कंपनीज वो ये एडवर्टाइज करती हैं, वो ये क्लेम करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट में 0% निकोटीन है। आपको लगता है कि उनके प्रोडक्ट में 0% निकोटीन होगा? यस, नो, नो, आई हाईली डाउट कि उनके प्रोडक्ट में 0% निकोटीन होगा। एंड चले आप लोग कुछ कह रहे हैं कि हो रहे हैं तो 40-60 सिगरेट्स पर वीक हो जाती हैं, ठीक है, सो दैट्स वेरी हार्मफुल। हमारी जनरेशन को ये समझाया जा रहा है पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के स्मोकिंग डेंजरस है, वेपिंग कर देते हैं या ई सिगरेट्स यूज कर देते हैं। नहीं, दैट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। वेपिंग के भी उतने ही नुकसान हैं जितने सिगरेट के हैं। अच्छा, होता ये है कि निकोटीन की एडिक्शन और निकोटीन पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। बहुत ज्यादा आपको रेस्टलेसनेस होगी, आपको एंजाइटी होगी, आपको परेशानी होगी,
आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, तो आपको वो कहते हैं ना फिर से तलब होगी उस चीज की और आप उस साइकिल में फिर से चले जाएंगे, इसलिए आपको सोना मुश्किल हो जाएगा। देखा गया कि इसका यूजेज क्यों बढ़ता जा रहा है, बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि 1% इसका रीजन जो है पीयर प्रेशर है। पीयर प्रेशर मींस कि आपके साथ वाला आपका पीयर क्यूरियस है कि आपको जानना है कि लगता कैसा है और फील कैसा होता है, एक ये रीजन भी है। नंबर 3, या तो आप डिप्रेस हैं, एंशियस हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, या फैमिली प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, उस वजह से भी आप इसमें लग जाते हैं, या फिर यू वांट टू गेट अ हायर स्ट्रॉन्ग कंपनी। अच्छा, एक सर्वे ये किया गया, अगर आप उनकी टारगेट ऑडियंस कौन होती है, आप लोगों ने नोट किया उनकी, यस 70% उनकी टारगेट ऑडियंस मिडिल एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स होती है। क्यों, कोई बता सकता है? यस, वो एक मार्केटिंग टैक्टिक होती है कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, ठीक है। और किसी को कोई सवाल करना है, कोई सवाल किसी भी किस्म का? अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स या कजन्स, ठीक है, आप बिहेव नहीं कर रहे हैं बट आपके बराबर वाला जो है वो टोबैको यूज कर रहा है, वो ड्रग्स कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, उसमें आप ये करेंगे जो मैंने कॉन्फ्यूट किया कि फॉर इंस्टेंस आपके बराबर में कोई बैठे सिगरेट या ड्रग्स यूज कर रहा है और उसके फ्यूम्स आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ सेकंड एंड ब्रीथ, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो फ्यूम्स होते हैं ना वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाते हैं, तो आपने जो ब्रेथ अपनी होल्ड की होगी ना आपके लंग्स से आगे व्यायाम हमारा मकसद होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा हमने जो काम किया वो ये किया कि हमने अपने साथ और इसे और स्कूल के प्रिंसिपल अपने शीशे नीचे कर देंगे, तो उससे क्या होगा एयर प्रेशर से जो है वो जितनी भी उसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे वो चले जाएंगे, ठीक है। और कोई सवाल नहीं, ओके, थैंक यू।